हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बता रहा हूँ कि स्नैपचैट अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे करते हो। गाइस काफ़ी सिंपल है यार, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। मैं आपको काफ़ी इजीली तरीके से बताऊंगा कि स्नैपचैट अकाउंट को कैसे डिलीट किया जाता है परमानेंटली इस वीडियो के जरिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले स्नैपचैट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने प्रोफाइल वाला आइकॉन दिख रहा होगा, ये देखिए। सिंपली आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने राइट हैंड साइड पर सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पे जाने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आने के बाद दोस्तों सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, फिर इसके ही नीचे आई नीड हेल्प का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपल यहाँ पे टैप करना है। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पे मैनेजिंग माय अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको लास्ट एंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर टैप करने के बाद आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट और रीएक्टिवेट अकाउंट। तो आप यहां से रीएक्टिवेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो परमानेंटली। तो सिंपली इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। रीएक्टिवेट तो नहीं करना, डिलीट ही करना है आपको। ये टैप किया आप लोगों ने। टैप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, हाउ टू डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट। ये सिंपल सिंपल प्रोसेस बता रहे, बट काफ़ी इतना भी सिंपल नहीं है। मतलब नीचे आना है आपको। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा अकाउंट पोर्टल, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है गाइस। अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम आ चुका है, ठीक है। पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पे नीचे, लेकिन भाई आपको पता नहीं है कि क्या पासवर्ड है। उसके लिए फॉरगॉट पासवर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपके पासवर्ड जानने का। तो उसके लिए आपको बैक आ जाना है, ठीक है दोस्तों। बैक आने के बाद आपका जो भी मेल है, मतलब जीमेल वाला जो भी है, इस पर आपको ओपन करना है। जीमेल वाली एप्लीकेशन, ये वाली, इस पर टैप किया, ठीक है। आपको शायद मतलब आपको पता नहीं होगा कि आप जो भी अकाउंट लॉगिन करते हो तो उसका पासवर्ड यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। तो हम वैसे ही स्नैप का पासवर्ड जान लेंगे कि उसका पासवर्ड क्या है। फिर आपको प्रोफाइल वाला आइकॉन पे टैप करना है। फिर गूगल अकाउंट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सिंपल इस पर टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाना है, सिक्योरिटी वाले। फिर दोस्तों आपको नीचे आना है यहाँ पे। नीचे आने के बाद पासवर्ड मैनेजर पे जाना है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे सब एप्लीकेशन का पासवर्ड सेव है, आप यहाँ से देख सकते हो। अपनों को स्नैप का जानना है तो ये देखिए स्नैपचैट भी ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पे जैसे ही इस पे टैप करोगे तो आपके सामने आपका पासवर्ड शो हो जाएगा। तो आप नोट डाउन कर लेना। फिर उसके बाद बैक आके वापस स्नैपचैट के अंदर आ जाते हैं अपन। ये स्नैपचैट के अंदर हम आ चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ पे डालना है, ठीक है गाइस। डालते ही कंटिन्यू पे टैप करोगे, ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा। मुझे तो डिलीट नहीं करना है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि कैसे डिलीट होता है। लेकिन दोस्तों कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ मैं, आपके काफ़ी काम आने वाली है। अगर आपने 30 दिन के अंदर इसको रीएक्टिव नहीं किया, आप सिंपली लॉगिन करके तरीके से रीएक्टिवेट कर सकते हो स्नैपचैट अकाउंट, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो 30 दिन बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद ना ही किसी को शो होगा, ना ही आपको शो होगा,
आप जैसे ही लॉग इन करोगे 30 दिन के अंदर ये रीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर 30 दिन बाद अगर आप इसको ओपन करोगे तो नहीं होगा, ये आपके हाथों से चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और ये बात भी ध्यान रखना कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही आप परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हो, और आप डिलीट कर सकते हो चैनल को।